माना जाता है कि दुनिया भर में ऐसी कई जगह है जहां लोगों ने पैरानॉर्मल एक्टिविटी का अनुभव करने का दावा किया है। भयानक शोर, किसी की मौजूदगी का एहसास जैसी कई कहानियां आपने सुनी होंगी। हालांकि साइंस ऐसी किसी भी चीज को नहीं मानता, लेकिन आज हम इस वीडियो में आपको भारत की ही कुछ ऐसी सात भूतिया जगहों की कहानी के बारे में बताएंगे जिनकी कहानी सुनकर आपके रोंगटे भी खड़े हो सकते हैं और आप उनसे डर भी सकते हैं। इसीलिए इस वीडियो को वही लोग देखना जिनको ऐसी किसी चीज से डर नहीं लगता और जिनका दिल कमजोर नहीं है। चलिए अब करते हैं शुरुआत आज के इस वीडियो की। नंबर एक, भांगर किला। राजस्थान में स्थित भानगढ़ किला भारत की सबसे डरावनी जगह है। जी हाँ, भानगढ़ शहर में बने इस किले को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। भानगढ़ किला की कहानी बहुत ही मशहूर है। कहा जाता है यहाँ एक जादूगर रहता था जो इस किले को श्राप दिया था, जिसकी वजह से यह किला खंडहर बन गया। यही कारण है कि शाम होने के बाद यहाँ कोई नहीं जाता है। हैं तो हमारे भारत के हॉन्टेड प्लेसेस की जब बात होती है तो उसमें भानगढ़ किले का नाम सबसे ऊपर आता है। राजस्थान में मौजूद 15 साल पुराने किले का लोगों में कुछ ऐसा खास है। यहाँ पर लोग दिन में भी जाने से कतराते हैं और यहाँ तक कि कहा जाता है कि रात के समय में जो कोई भी इस किले में जाता है वह फिर कभी भी वापस लौट कर नहीं आता। इसीलिए सरकार ने भी खुद बाकायदा बोर्ड लगाकर रात के समय में इस किले में जाने से प्रतिबंध लगाया हुआ है। और दोस्तों, खौफ का आलम तो यह है कि रिजर्व एरिया घोषित किए जाने के बावजूद भी भारतीय पुरातत्व विभाग ने डर की वजह से आज तक यहां पर अपना ऑफिस नहीं बनाया है। तो फिर भानगढ़ के इस किले का इतिहास क्या है और आखिर क्यों आज इसको इतना ज्यादा आखिरी दौर भुतहा माना जाता है, ये सब हम हमारी आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, भानगढ़ के इस किले का निर्माण आमिर के शासक राजा भगवंत दास ने 1573 में अपने छोटे बेटे माधव सिंह के लिए करवाया था। उस समय यह की पूरी तरह से कुछ हाल हुआ करता था और इस किले के अंदर वापस के चारों तरफ लोगों की घनी आबादी रहा करती थी। लेकिन फिर अचानक एक ऐसी अनहोनी हुई जिससे कि इस किले की खुशियां हमेशा के लिए खत्म हो गईं और एक समय खुशहाल नजर आने वाला यह विशाल किला एक भुतहा जगह बदल गया। लोगों के मन में इस किले का ऐसा खूब बैठ गया तो उन्होंने इसे छोड़ना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि यह शिमला और इसके आसपास का इलाका पूरी तरह से वीरान हो गया। यहां तक कि आज भी यह किला सैकड़ों सालों से इसी तरह से वीरान पड़ा हुआ है, जो कि दिखने में बेहद अफसोसनाक नजर आता है। इसके बारे में लोग यह बताते हैं कि किले से लोगों के चीखने चिल्लाने रोने और घरों की राह समय आवाज आती है। साथ यह बहुत से लोग यह भी दावा करते हैं कि जो कोई भी इस किले में रात के समय गया है वह फिर कभी भी वापस लौटकर नहीं आया है। और यही वजह है कि दिन में भी बहुत कम लोग ही इस किले के अंदर जाने की हिम्मत कर पाते हैं। अब ऐसे में यह सवाल तो मन में जरूर आता है, ऐसा क्या हुआ था इसको इस तरह से शापित और भुतहा माना जाने लगा। असल में इस किले के हॉन्टेड होने के पीछे लोगों द्वारा एक नहीं बल्कि कई अलग अलग कहानियां बताई जाती हैं। नंबर दो, कुलधरा गांव। वैसे इस गांव से बहुत से लोग वाकिफ होंगे, मगर बता दूं कि इस गांव को लेकर दो कहानियां फैली हुई हैं और यह गांव हमारे इस वीडियो की रहस्यमयी गांवों की सूची में शामिल है। इसलिए थोड़ा सा बता देता हूं ताकि जिन्हें मालूम ना हो उन्हें जानकारी मिल जाएगी। यह रहस्यों से भरा एक वीरान गांव है। वैसे राजस्थान अपने भीतर कई रहस्य समेटे हुए हैं और उन्हीं में से एक यह गांव भी है। जैसलमेर का कुलधरा गांव लगभग 200 साल पहले इस गांव के सभी निवासी रातों रात इस गांव को छोड़ करके चले गए थे। इस गांव के वीरान होने के पीछे दो कहानियां प्रचलित हैं। पहली कहानी यह है कि यहां के राजा सालन सिंह की बुरी नजर गांव की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ गई। वह जबरदस्ती उस लड़की से शादी करने का दबाव गांव वालों पर बनाने लगा और गांव वालों पर अत्याचार करने लगा था। लेकिन इस गांव के लोगों को अपने सम्मान और गौरव के खिलाफ इस तरह की शादी मंजूर नहीं थी, जिससे परेशानी यह थी कि राजा का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। फिर ऐसे में इस गांव के मुखिया ने फैसला लिया कि मुखिया समेत गांव के पूरे लोग रातों रात इस गांव को छोड़कर चले जाएंगे और कहा जाता है
कि जाते जाते यहाँ के लोगों ने इस गांव को श्राप दे रखा कि कोई भी यहाँ बस नहीं पाएगा। और कहा जाता है कि तब से लेकर आज तक इस गांव में जिसने भी बसने के इरादे से कदम रखा उसको रहस्यमय शक्तियों का एहसास होने लगता है। कहा जाता है कि यह गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है। वैसे कुछ लोग यहाँ के लोगों के गांव छोड़कर जाने की बात को नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि यहाँ के लोगों ने गांव छोड़ा नहीं था, बल्कि वे रहस्यमय तरीके से गायब हुए थे और उन्हीं की आत्मा आज यहाँ भटकती है। टूरिस्ट प्लेस में बदल चुके कुलधरा गांव घूमने आने वालों के मुताबिक यहाँ रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है। उन्हें वहां हर पल ऐसा अनुभव होता है कि कोई आसपास चल रहा है। बाजार के चहल पहल की आवाजें आती हैं, महिलाओं के बात करने और उनकी चूड़ियों और पायलों की आवाज हमेशा ही आती रहती है। मगर कहानी कुछ भी हो, लेकिन आज तक इस गांव में कोई बस नहीं पाया। नंबर 3, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद। रामोजी फिल्म सिटी के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन अब तक लोगों को यहां पर होने वाली शूटिंग्स के बारे में ही पता था। क्या आप जानते हैं कि रामोजी फिल्म सिटी भी भूतिया है? माना जाता है कि रामोजी फिल्म सिटी के कई होटलों में भूत रहते हैं। रामोजी फिल्म सिटी भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी है, जिसमें कई बड़े होटल भी हैं। लेकिन एक फिल्म सिटी के अलावा यह जगह अलौकिक गतिविधियों की वजह से भी चर्चित है। इन अजीब घटनाओं का ज्यादातर शिकार औरतें और लड़कियां बनती हैं। लोगों ने बताया कि कोई शक्ति लड़कियों के कपड़े खींचती है। लोगों का कहना है कि शूटिंग के समय भी कई बार लाइटमैन को धक्का देकर गिराया जा चुका है, जिससे उन्हें गंभीर चोटें भी आई हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि फिल्म सिटी निजाम सुल्तान की धरती पर बना है, जहाँ कई प्रकार की सजा देने वाली गतिविधियां हुई थीं। यहाँ कई बार लोगों को विचित्र छाया, उंगलियों के निशान और दरवाजों के अपने आप खुलने बंद होने की आवाजें भी आती हैं। नंबर 4, टनल नंबर 103 शिमला। टनल नंबर 103 की शुरुआत 19वीं सदी के अंत में हुई, जब कुशल श्रमिकों ने अपना समय और प्रयास पहाड़ को तराशने में लगाया। इस उल्लेखनीय इंजीनियरिंग उपलब्धि को पूरा करने में कई साल लग गए, जिसने शिमला के भविष्य के विकास को आकार दिया। एक बार पूरा होने पर टनल नंबर 103 शिमला के भीतर विभिन्न क्षेत्रों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी बन गई और व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सुरंग ने वर्षों से अनगिनत यात्रियों को इसके अंधेरे गलियारों से गुजरते देखा है। सामान ले जाने वाले व्यापारियों से लेकर रोमांच की तलाश करने वाले पर्यटकों तक। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, सुरंग के भीतर होने वाली अजीब घटनाओं के बारे में फुसफुसाहट फैलनी शुरू हो गई। ऐसी कहानियां जो लोगों के दिलों में सिहरन पैदा कर देती थीं, जब भी उन्हें कैंप फायर के आसपास या गर्म चाय के कप के साथ साझा किया जाता था। इन बड़बड़ाहटों ने सुरंग से जुड़ी असाधारण गतिविधियों के बारे में किंवदंतियों को जन्म दिया। चाहे वह इसकी दीवारों से गूंजने वाली भयानक आवाजें हों या कम रोशनी की स्थिति में क्षण भंगुर रूप से झलकती भूतियां आकृतियां हों, सुरंग के अंदर अलौकिक संस्थाओं के साथ मुठभेड़ के बारे में कहानियां जंगल की आग की तरह फैलती हैं। भूत प्रेतों की रिपोर्ट टनल नंबर 103 को प्रेतवादित होने के लिए काफी प्रसिद्ध मिली है। पिछले कुछ वर्षों में उन लोगों द्वारा अनुभव की गई असाधारण गतिविधि के बारे में कई रिपोर्टें और कहानियां आई हैं, जो इसकी अंधेरी गहराई में प्रवेश करने का साहस करते हैं। नंबर 5, जमाली कमाली। दिल्ली में कुतुब मीनार के ठीक बगल में मौजूद जमाली कमाली मस्जिद एक खूबसूरत पुरातात्विक स्थल है, जिसे आपने पहले शायद ही कभी देखा होगा। यह मुगल काल का एक और प्रमुख स्मारक है, जो दिल्ली के पुराने खंडहरों के बीच स्थित है। लेकिन समय के साथ इस मस्जिद की चमक खो चुकी है। कभी कभी इस जगह को जिन्न से संबंधित भूतियां कहानियों से भी जोड़ा जाता है। जमाली कमाली की भूतियां कहानी। हालांकि जमाली कमाली का गौरवशाली इतिहास रहा है, लेकिन भूतियां कहानियों ने इसे अतीत की कहानी बना दिया है। कथित तौर पर यह साइट अतीत की भूतियां कहानियों के साथ साथ कई अस्पष्ट घटनाओं से जुड़ गया है, जिसमें कई लोगों ने कई अजीब घटनाएं देखी हैं। कई लोगों का दावा है कि जमाली कमाली में भूत और जिन्न रहते हैं, जबकि कई लोगों ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने रोशनी, जानवरों के गुर्राने, भूत और अपने आसपास किसी के खड़े होने का अनुभव किया है। जो लोग जगह पर जा चुके हैं,
उन्होंने यह अनुभव किया है कि उन्हें खंभे के पीछे से कोई देख रहा है, लेकिन जब उन्होंने वहां जाकर देखा तो उन्हें वहां ऐसा कुछ नहीं दिखा। कई का यह भी कहना है कि उन्होंने यहां किसी के हंसने की आवाज भी सुनी है और भूतों ने उन्हें थप्पड़ भी मारा है। नंबर 6, जीपी ब्लॉक मेरठ। यूपी के मेरठ का जीपी ब्लॉक देश की 10 बेहद डरावनी जगहों में एक है। माल रोड पर स्थित यह इमारत भूत बंगले के नाम से फेमस है। यह बंगला भूत प्रेत के किस्से और कहानियों की वजह से बहुत मशहूर है। कभी इस इलाके की अलग ही शान हुआ करती थी, लेकिन आज यह जर्जर इमारत डर और खौफ का नाम बन चुकी है। चारों तरफ घना जंगल और बीच में 3 बंगले। इस बंगले के बारे में लोग अलग अलग तरह की बातें करते हैं। क्या है लोगों की बातें? बंगले के बारे में कई बातें सामने आई हैं। कोई कहता है कि यहाँ लाल रंग की साड़ी पहने हुए एक औरत कभी बिल्डिंग के ऊपर तो कभी बिल्डिंग से बाहर आते हुए दिखाई देती है। कुछ लोगों के मुताबिक यहाँ 4 लड़कों को घर के अंदर टेबल पर एक धीमी मोमबत्ती की रोशनी में बियर पीते देखा जा चुका है। इन अजीबोगरीब घटनाओं के चलते लोगों ने अब इसके अंदर जाना छोड़ दिया है। यहाँ से सुनी जाने वाली भूतिया कहानी किसी और जगह से बिल्कुल ही अलग है और अपने आप में एक हैरान कर देने वाली है। मेरठ के माल रोड से 650 मीटर अंदर स्थित खंडहर में तब्दील होते एक बंगले की आज यही कहानी बन गई है इंटरनेट पर। नंबर 7, पिसावा के जंगल। स्थानीय लोगों के अनुसार उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के देहात इलाके में एक ऐसी जगह भी है जिसके अंदर घुसने से पर्यटकों का कलेजा कांप जाता है। कारण बताया जाता है कि यहां सर्र सर्र आवाज आती रहती है और रात में काला काला पर्दा सा छा जाता है। इतना ही नहीं, छाता तहसील के इस पिसावा नामक गांव के पास यह स्थान तरह तरह के पेड़ों ही करील और जीवों का बसेरा भी है। यहां हजारों की संख्या में बंदर रहते हैं। पुराणों में लिखा गया है कि महाभारत में जब युद्ध खत्म हो गया था तो आचार्य द्रोण के महाबलशाली पुत्र अश्वस्थामा पांडवों की जय के बाद से जिन झाड़ियों में प्रवेश कर गए थे वे ये ही हैं। घुमावदार जंगल के इस स्थान पर शनिवार को यज्ञ होता है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां परिक्रमा के लिए आते हैं। बच्चे, बूढ़े और महिलाएं तो रोज ही मिल जाएंगे, लेकिन वे भी इन झाड़ियों के भीतर नहीं जाते। आप यदि परिक्रमा या पूजन के लिए जाना चाहते हैं तो वाहन चलते हैं। और ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और मेरे इस चैनल पर आप नए आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे इजाजत। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।